झूलालाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। एक छोटी सी गलती किसी व्यक्ति को, पार्टी को, संगठन को कितने मुश्किलों में डाल सकती है, ये एक घटना से साबित हो जाती है। और जब वो वारदात हो या घटना घटी हो, उस समय उसको सिर्फ कानून व्यवस्था के नजरिए से या सिर्फ एक वारदात के नजरिए से देखकर उसके प्रति शासनिक कार्रवाई करने की प्रक्रिया, वो भी कितना नुकसानदेह हो सकती है, ये भी एक घटना से समझा जा सकता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान चुनाव में प्रधानमंत्री के तरफ से उठाए जा रहे उस मुद्दे के संबंध में, जिस पर प्रधानमंत्री अशोक गहलोत को घेर रहे हैं, कांग्रेस को घेर रहे हैं और कांग्रेस की तुष्टिकरण की नीति की बखिया उधेड़ रहे हैं। मोहम्मद गौश और रिजवान दो ऐसे आतंकी और खूंखार आतंकी हम कहेंगे, वहशी, कट्टर और पाकिस्तान परस्त, आप यह कह सकते हैं कि पाकिस्तान के आदेश पर काम करने वाले इन दो इंसानियत के दुश्मनों ने जिस तरीके से एक दर्जी कन्हैया लाल की हत्या की, और हत्या के पहले उन्होंने उस व्यक्ति के साथ कितनी सदाशयता या अच्छे संबंधों को दिखाने की कोशिश की और उसके बाद उसका गर्दन धड़ से अलग कर दिया, ये सब घटना आपने देखा होगा, क्योंकि इस घटना के वही दो साक्षी थे, वीडियो बनाया और दुआओं में याद रखना कहते हुए इस वीडियो को वायरल किया। ये सब कुछ करने की हिमाकत और हिम्मत दिखाई थी अशोक गहलोत के शासनकाल में इन्हीं दो दरिंदों ने। और तब सबने ये सोचा था कि ये घटना घट गई, कुछ समय बाद लोग भूल जाएंगे और उसके बाद इसे सिर्फ कानून व्यवस्था के नजरिए से देखा जाएगा, कुछ कार्रवाइयां थाना से लेकर के पुलिस प्रशासन की तरफ से की जाएंगी, जेल में चला जाएगा वो दोनों आरोपी और उसके बाद सब कुछ मामला रफा दफा हो जाएगा। ये भी सोच लिया गया कि जो पीड़ित परिवार है उसके परिवार के कुछ लोगों को नौकरी दे दी जाएगी, कुछ आर्थिक सहायता दे दी जाएगी, जिंदगी फिर चलने लगेगी। हुआ भी ऐसा, क्योंकि कन्हैया लाल के फैमिली के लोगों को सहायता भी अशोक गहलोत ने दिलवाई, लेकिन उन दो हत्यारों ने इतनी बड़ी हिम्मत कैसे की? शासन की तरफ से जो कार्रवाई करनी चाहिए थी वो अशोक गहलोत ने नहीं किया, क्योंकि अगर वो करते तो जिस वोट बैंक पर कांग्रेस अपना अधिकार समझती और जिसको साधने के लिए वो दो तरफा बातें करके वर्तमान समय में देश की राजनीति में वो बगल में कर दी जाती है, वो वही घटना है। हम इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब राजस्थान चुनाव की शुरुआत हुई, तब से अब तक जितनी बार राजस्थान गए हैं और अब तो राजस्थान से बाहर मध्य प्रदेश से भी, उन्होंने कन्हैया लाल का जिक्र किया। उदयपुर में कन्हैया लाल जी के साथ आतंकी घटना कांग्रेस सरकार पर बहुत बड़ा दाग है। ऐसी जघन्य वारदात उदयपुर में इसलिए हुई क्योंकि यहां आतंकियों के साथ सहानुभूति रखने वाली कांग्रेस की सरकार है। मायने समझिए, 2024 में भी कन्हैया लाल एक मुद्दा होगा, क्योंकि तुष्टिकरण की नीति के तहत कन्हैया लाल के मर्डर का सामान्यीकरण करने की जो कोशिश हुई है उस पर तो चोट होगी और चोट होना भी चाहिए। सवाल यह है कि फिर गहलोत को इतनी मिर्ची क्यों लग रही है, क्योंकि पुलिस ने तो गिरफ्तार कर लिया था दोनों आरोपियों को, जेल में भी गए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा चल रहा है, सारे प्रमाण पेश किए जाएंगे, जो कोर्ट फैसला सुनाएगा वो होगा। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री ने इसको मुद्दा बना दिया और राजस्थान के लोग ये कह रहे हैं कि कन्हैया लाल प्रकरण में गहलोत सरकार को जिस अंदाज में कार्रवाई करनी चाहिए शासन और प्रशासन के स्तर पर, वैसी कार्रवाई हुई ही नहीं,
की अस्थियां उसके घर में रखी गई हैं और उसको तभी उसका अंतिम संस्कार माना जाएगा जब कन्हैया लाल के हत्यारों को, उससे जुड़े दोषियों को सजा नहीं दे दी जाती। यह संकल्प है उस परिवार का, और उस परिवार का संकल्प उसके साथ उनका भी संकल्प जुड़ा हुआ है जो इस तरह के कट्टरता का विरोध करते हैं और जिसको साधने की कवायद कांग्रेस पार्टी करती है। अशोक गहलोत ने एक प्रतिक्रिया दी कि प्रधानमंत्री कन्हैया लाल का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा वालों ने ही कन्हैया लाल के मर्डर से जुड़े हुए लोगों के लिए पैरवी की, उन्हें थाने से छुड़ाने की कोशिश की, उनकी जमानत ली। यही नहीं, गहलोत साहब दो कदम और आगे बढ़ गए। उन्होंने ये कहा कि अगर राजस्थान की पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश करती तो इस पे हम एक निष्कर्ष पर पहुंचते और आज न्याय मिल गया होता। मान रहे हैं वो कि न्याय नहीं मिला, ये पहली बात। तो ये दूसरी बात, देश की एक सबसे बड़ी आतंक विरोधी संस्था, जो पूरी तरीके से पूरे देश में आतंक विरोधी संस्था, उसके फंडिंग से जुड़े सारे कामों को देखती है और उस पर लगाम कसती है, उस पर आरोप लगा दिया उन्होंने। और ये ऐसा आरोप नहीं लगाया कि एनआईए ने इस पूरे केस को खराब किया। उन्होंने कहा कि राजस्थान की पुलिस अगर तफ्तीश कर रही होती तो अच्छा रिजल्ट मिल जाता। वो तो केंद्र सरकार ने आनन फानन में एक रात में ही एनआईए को मामला सौंप दिया, इसलिए सारा गुड़ गोबर हो गया। मतलब एनआईए ने पूरे प्रकरण को खराब कर दिया और जिस न्याय की उम्मीद कन्हैया का परिवार पाले हुआ था वो नहीं मिल पाया। गहलोत ने स्वीकार कर लिया, हिला हवाली हुई है, लेकिन अब चूंकि चुनाव है, वोट लेना है, तुष्टीकरण के खिलाफ माहौल बन चुका है और वहां पर तुष्टीकरण का समर्थन करने वालों को सबक सिखाने की लोग कसम खा रहे हैं, ये गहलोत साहब ने देख लिया। इसलिए गैस सिलेंडर से लेकर महिलाओं के संबंध में जितनी भी बातें वो घोषणाएं कर रहे हैं वो सब कुछ प्रभावी नहीं हो रहा है। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि राजस्थान में इतिहास नहीं बनने जा रहा, ये लिख के ले लीजिए, राजस्थान में इतिहास नहीं बनने वाला। और उस पर इस तरह की बात, क्योंकि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है। ऑनलाइन सर धर से, जो कहते हैं, जो एक नारा भी है, सर तन से जुदा, वो जुदा किया गया। और उसके साथ ही साथ दुआओं में याद रखने की भी बात की गई। याद करिए, अगर आपको याद ना हो तो हम आपको याद दिला रहे हैं। वीडियो हम आपको नहीं दिखा सकते क्योंकि ये बेहद परेशान करने वाली वीडियो है और दिखाना भी नहीं चाहिए, लेकिन बताना जरूर चाहिए। सर तन से जुदा का जो नारा है उसको ऑनलाइन चरितार्थ किया गया था, उस पर एक्ट किया गया और एक भोले भाले दर्जी की, कन्हैया लाल की, जिसके ऊपर चार पांच लोगों के जिंदगी को चलाने का पूरा भार था, वो परिवार, उस पर से एक साया उठ गया और लोग एक तरह से निराश्रित हो गए। सिर्फ एक घटना ने आज गहलोत को किन मुश्किलों में डाल दिया है कि अब वो एनआईए पर भी सवाल उठा रहे हैं। ठीक है, वो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाएं क्योंकि आरोप प्रत्यारोप का दौर चलना चाहिए, लेकिन राजस्थान की पुलिस इतनी अच्छी पुलिस है, इतनी त्वरित पुलिस है और उसकी कार्रवाई का तरीका इतना अच्छा है, तो आज महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें राजस्थान अव्वल न होता। ऊपर से अगर तीन की गिनती की जाए तो राजस्थान पहले नंबर पे आएगा। कितनी घटनाएं हो रही इसी चुनाव के दौरान, और ऐसा नहीं है कि भाजपा शासित राज्यों में नहीं हो रही, वहां भी हो रही, लेकिन कम से कम दावे तो ऐसे नहीं करने चाहिए। और उस पर इतनी बड़ी बात, इतना बड़ा आरोप कि एनआईए ने केस को ही खराब कर दिया। केस को खराब करने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ तो वीडियो में सामने आया था। आखिर में वहां बुलडोजर क्यों नहीं चल सकता था? क्योंकि बुलडोजर चलाते तो योगी की नकल हो जाती, और योगी की नकल होती तो मतलब कांग्रेसी ये कैसे स्वीकार कर पाता कि योगी का शासनिक प्रशासनिक जो तौर तरीका है वो कम से कम इस तरह के बहसी लोगों को ठिकाने लगाने के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं सोचा, क्योंकि गहलोत साहब कांग्रेसी संस्कृति में पले बढ़े हैं और एक जाने माने राजनेता भी हैं, इसमें दो राय नहीं, और उनके प्रशासनिक कुशलता के बारे में सवाल नहीं उठाया जा सकता। लेकिन उनकी भी मजबूरी है, तुष्टीकरण करना ही है, करना है, क्योंकि एक हाथ से दोनों को साधने की कवायद में बड़ी गलतियां हो जाती हैं और वही गलती कर बैठे हैं जिसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री कन्हैया लाल के मुद्दे को
राजस्थान का भी मुद्दा बना रहे हैं और बनाएंगे। देखिएगा 2024 में कन्हैया लाल का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा बनने जा रहा है। सरतन से जुदा करने की बात नारों में सुनाई पड़ती थी तो लोग डर जाते थे, वहां तो सरतन से जुदा किया गया। और बहसियों की हिम्मत देखिए कि हंसते हुए वो दुआओं में याद रखने की बात कर रहे थे। अब आपको याद आ गया होगा और गहलोत साहब का इस अंदाज में भाजपा पर चोट करने की जो तरीका है वो भी कितना बेकार है, ये अब आप समझ गए होंगे। क्योंकि अगर वो ऐसा कहते कि भारतीय जनता पार्टी ने ये सब कुछ करवाया तो समझ चलता है, लेकिन उन्होंने एनआईए पर सवाल उठा दिया और राजस्थान पुलिस को बहुत अच्छा बता दिया। राजस्थान पुलिस अगर इतनी ही अच्छी होती तो 4 घंटे में बहुत कुछ हो जाता। हालांकि वो दावा कर रहे थे कि कुछ ही घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। सवाल यह है कि कन्हैया लाल के परिवार ने आज तक अस्थियों का विसर्जन क्यों नहीं किया, और अगर ये मुद्दा बन रहा है तो एनआईए ने उसमें क्या गड़बड़ी की, अशोक गहलोत इस पर क्यों नहीं बोल रहे। इसलिए इस मुद्दे पर अशोक गहलोत घिर चुके हैं और कांग्रेस घिर चुकी है। तुष्टिकरण के संदर्भ में कांग्रेस की हिला हवाली की नीति राजस्थान में और मध्य प्रदेश में भी बहुत मुश्किलों में इस पार्टी को डालने जा रही है। हमारी ये खबर और ये विश्लेषण कैसा लगा प्रतिक्रिया दीजिए। देखते रहिए वीके न्यूज, दीजिए इजाजत, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।